प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आयोग के शीघ्र गठन करने की मांग की है। हमीरपुर में मंच के जिला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर की अगुवाई में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्वर्ण आयोग का गठन करने को लेकर एक ज्ञापन भेजा। मंच ने सरकार को ये भी चेतावनी दी कि यदि आयोग पर सरकार का रवैया ढीलमूल वाला रहता है तो भाजपा सरकार को स्वर्ण समाज आने वाले चुनावों में आईना भी दिखाएगा। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार से आयोग के गठन करने को लेकर मांग पूरा करने के लिए नारेबाजी भी की। संयुक्त मंच का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 20 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि 90 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद जब 90 दिन के बाद मुख्यमंत्री से स्वर्ण आयोग गठन को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल मिला तो उस पर भी उन्हें केवल कोरा आश्वासन ही मिला है। ऐसे में स्वर्ण आयोग समाज टालमटोल की नीति को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मंच ने सरकार को खुली चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार आयोग का गठन नहीं करता है तो स्वर्ण समाज वोट नहीं करेगा। स्वर्ण समाज बाध्य होगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में वे अपना उम्मीदवार उतारे, चाहे जीतें या हारे हम सरकार की हार का प्रमुख कारण जरूर बनेंगे। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के जिला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जातिगत आरक्षण हिमाचल प्रदेश के साथ साथ भारत में समाप्त होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट को वापिस लेना चाहिए, जिसमें न अपील न दलील सीधे जेल के अंदर भेजने का प्रावधान है और जो अंग्रेजों के समय के कानून को याद दिलवाता है। साथ ही स्वर्ण आयोग के गठन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये प्रमुख मांगों में शामिल है। उन्होंने बताया कि बिहार में स्वर्ण आयोग 20 वर्ष पहले बन चुका है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में स्वर्ण आयोग का गठन किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आज सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने पूरे प्रदेश में 11 बजे माननीय जिलाधीश के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। आज हमारी आज की जो एक सूत्री मांग है वो है हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन करना। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 20 अप्रैल को ये आश्वासन दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद भी हम 90 दिन बीतने के बाद भी हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले कि कर दिया जाएगा, तो ये टाल मटोल की नीति जो है वो स्वर्ण समाज जो है वो सहन नहीं करेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है और इसका हम सरकार को भी खुली चुनौती दे रहे हैं कि यदि गठन नहीं तो हमारा स्वर्ण समाज का वोट भी नहीं। स्वर्ण समाज बाध्य होकर हर विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेगा। बेशक हम जीते हैं ना जीते हैं, लेकिन सरकार के हार का कारण बनेंगे। दो विकल्प हैं हमारे पास, या तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे या फिर हर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्ण समाज का एक उम्मीदवार अवश्य खड़ा करेंगे। जब तक जातिगत आरक्षण हिमाचल प्रदेश से या भारतवर्ष से समाप्त नहीं होता है, एट्रोसिटीज एक्ट को वापस नहीं लिया जाता है, जिसमें ना अपील ना दलील सीधे ही जेल के अंदर, ऐसे जो अंग्रेजों के जमाने के कानून आज हमारे गले में डाल दिए गए हैं, इनको वापस ले सरकार और जितनी जल्दी हो सके स्वर्ण आयोग का गठन करे, नहीं तो स्वर्ण समाज जो है वो इकट्ठा होकर जवाब देने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में तैयार है। जहां बिहार में आज से 20 साल पहले बन चुका है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अभी बनाया, तो हिमाचल प्रदेश में जहां पर मेरे ख्याल में शायद भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो हमारा स्वर्ण समाज का है हिमाचल प्रदेश में, अन्य राज्यों में हमसे कम है, वहां पर बन गया, लेकिन यहां पर क्या मुश्किल हो रही है। तो हमारी भावनाओं की, स्वर्ण समाज की भावनाओं की सरकार कदर करे और जितनी जल्दी हो स्वर्ण आयोग का गठन करे।